एवरी वन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेज दिस इज प्रवीण हेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पोर्शन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने टॉप हंड्रेड केमिस्ट्री क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आपको पेपर से पहले करवाए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एस पी थ्री हाइबर्डाइजेशन इज़ नॉट प्रेजेंट तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि हाइबाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपको डायरेक्टली याद भी नहीं है तो आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते थे आई यू पी ए सी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑगजैलिक एसिड का आपको आई यू पी सी नेम बताना है यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अटामिसिटी ऑफ फ़ोर फोर ऑटामिसिटी यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन एन एच थ्री की है डिटेल्ड जो क्वेश्चन है इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीक वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक को बिल्कुल डिटेल में कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है किस तरह से कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन है यहाँ पे हम जस्ट आंसर के डिस्कस कर रहे हैं विच ऑफ़ द फोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एटम तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बेसिक क्वेश्चन भी इस बार देखा गया है कि जो कि आपके एन सी आर टी एट्थ नाइन्थ और टेंथ से पूछे गए हैं क्लास एट से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जैसे कि वो आपका प्लास्टिक वाला चैप्टर है कैंडल फ्लेम वाली चीज़ें हैं है ना चलिए आगे क्वेश्चन है मास ऑफ एन एटम बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा

जो कि कोल का प्रोडक्ट है पॉलीकोटन जो पॉलीवुल है ये किसके अब किससे बनते हैं यहाँ पे ऑप्शन वन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा ये भी बेसिक क्वेश्चन छोटी क्लासेस से विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक तो यहाँ पे हैंडल ऑफ कुकवेयर आ जाएगा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ हॉटेस्ट तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आउटर मोस्ट और अगर आपसे पूछा है कि सबसे कम हॉट कौन सा पोर्शन होता है तो सबसे इनर मोस्ट होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एम फिफ्टी थ्री देन द इट्स ऑक्साइड हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला एम टू ओ थ्री अटोमिक मास यहाँ पे पूछ रखा है यहाँ पे स्टूडेंट क्या ट्वेंटी सेवन इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद निकल के आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्योपाई मैक्सिमम वॉल्यूम एट एस पी टी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इनकी एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियोस में देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं रेशियो ऑफ ई एम दैट इज़ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द कैथोडिस इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सही हो जाएगी दैट इज़ ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इसमें से जो है ए नॉन डायरेक्शनल होता है वेन वी एड फाइव ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ये भी क्लास सेवन से आपका कंसेप्ट uh, पूछा हुआ है लेमन uh, जूस में एड करते हैं तो उसकी वजह से क्या कलर हो जाता है दैट इज इट बिकम डार्क पिंक कलर डार्क पिंक कलर यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटर प्लेस्ड इन बेकर बेकरज ओवर अ फ्लेम बिकम यूनिफॉर्मली हॉट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ तो किस प्रोसेस की वजह से वो हॉट हो जाती है दैट इज कन्वेक्शन की वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन सबसे आर गिवन बाय द फॉर्मूला ऑप्शन बी यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा यहाँ पे विच एलिमेंट इन द प्रियोडिक टेबल हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी ऑप्शन बी क्लोरिन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर ब्रोकन डाउन दिस पार्टिकल आर कॉल्ड एटम दिस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इन्जप्शन ऑफ ये किसने कही है स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग है डाल्टन थीरी का ये कंसेप्ट है नेक्स्ट है वेन हीट इज अप्लाई टू द सॉलिड सबस्टान एट इट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एवरेज कैनेटिक एनर्जी तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं कैनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है स्केचरिंग ऑफ लाइट विल अकर व्हेन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन में से पास होता है तो स्केचरिंग होती है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर एर रिक्वायर टू प्रिपेयर टू फिफ्टी ग्राम ऑफ फिफ्टी परसेंट केन शुगर सोल्यूशन तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सही आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर एफ सब्चेल तो यहाँ पे सेवन अनपेयर्ड मैक्सिमम आ सकते हैं नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड लाइम स्टोन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ए ओ एंड सी ए सी ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉरी वट द सोल्यूशन ऑफ एसिड मिक्सड विद द विदल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विच ऑफ़ द फोइंग ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटोरिक ऑक्साइड ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली कार्बोनेट ओर ऑफ द मेटल आर कन्वर्टेड इन टू मेटल ऑक्साइड थ्रू किसके थ्रू जो है उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल मटीरियल तो जो बनता है उसमें आयरन के साथ और क्या मिक्स होता है दैट इज़ निकल एंड क्रोमियम विच ऑफ़ द फलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिज ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट इन मिल्टन स्टेट तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तो ये थे आपके पास केमिस्ट्री पोर्शन बायो पोर्शन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ साथ में साइकोलॉजी पोर्शन भी आपके पास आएगा और ये पूरा जो पेपर है आपका इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी वो हम नेक्स्ट वीक आपको प्रोवाइड करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू दियर इन नेक्स्ट वीडियो